बहुत जरूरी चीज है कि ये जो नंबर है यहाँ पे, जो एक नंबर बारकोड नंबर लिखा हुआ है और एक फास्टैग के अंदर बारकोड नंबर है, ये दिल्ली की बस है, ये रेस लग रही है और मेरे लेफ्ट साइड में है दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, और कैसे हो? तो आज आप देख सकते हो बाहर बारिश हो रही है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर मंथ है, ठंड ऑलरेडी थी और अब कल रात को बारिश हो गई है यहाँ पे, तो ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। देख सकते हो बाहर फॉग पूरी जमी हुई है। तो आज मैं आपको कुछ खास बताने जा रहा हूँ कि आज मैंने फास्टैग के लिए अप्लाई किया था तो फास्टैग आ गया है। अभी मैं उस फास्टैग को उसको अनबॉक्स करेंगे फास्टैग को, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आपको फास्टैग को कैसे यूज़ करना है, कैसे कार में आपको लगाना है और कैसे उसमें से पैसे कटेंगे, किस तरह से आपको फास्टैग को रिचार्ज कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। तो अभी थोड़ी देर में करते हैं अनबॉक्स फास्टैग को। तो चलिए चलो अनबॉक्स करते हैं। ये है फास्टैग, ये मैंने पेटीएम से मंगाया है। आप काफ़ी लोग हैं, प्रोवाइडर हैं जो कि फास्टैग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ICICI बैंक है, पेटीएम है और एयरटेल है, तो आप किसी से भी आप ये मंगवा सकते हो। तो ये फास्टैग, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस तरह से आपको अनबॉक्स करना है और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये इस तरह का ये कार्ड या फास्टैग, तो इस तरह का कार्ड जो है ये निकलेगा और एक ये मेरा ये बिल है इसका, तो अभी खोलते हैं इसको। तो फास्टैग में आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि फास्टैग किस बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो नंबर है यहाँ पे, जो एक नंबर बारकोड नंबर लिखा हुआ है और एक फास्टैग के अंदर बारकोड नंबर है, तो आप हमेशा क्रॉस चेक कर लो कि ये दोनों बारकोड नंबर सेम है। अगर ये बाहर वाला बारकोड नंबर और जो अंदर वाला बारकोड नंबर अगर डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब है किसी और का जो फास्टैग है वो आपको आ गया है, तो फिर आपको कस्टमर केयर में फ़ोन करना पड़ेगा और वो वापस आपको दूसरा ये भेजेंगे फास्टैग। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। और इसका क्या है कि इसको ये एक स्टिकर है जो स्टिकर होता है, इसको RFID समथिंग स्टिकर बोलते हैं, जो आप अपनी गाड़ी के आगे जो ये फ्रंट जो शीशा है आपका, जो विंडशीट है, इस पे आप अंदर से लगाते हैं, तो जब भी किसी भी टोल प्लाजा पे आप निकलोगे तो ये आपका जो पैसे हैं इसके अंदर जो आप अमाउंट आप चार्ज करके रखोगे वो डिडक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और मैंने कन्फर्म किया था कि जो ये टोल प्लाजा में अगर जैसे हम जाते हैं और सेम डे वापस आते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो इस पर भी वो रहेगा। तो आप जब एक बार जाओगे तो विद इन 24 आवर अगर आप वापस आते हो तो वो नेक्स्ट टाइम जो आपका अमाउंट जो कटता है वो कम कटेगा। तो ये सेम चीज़ है, इससे आप लंबी क्यूज जो है टोल प्लाजा पर होती है उससे भी बचोगे और फास्ट रहेगा आपका, जल्दी से निकलते जाओगे और वेट नहीं करना पड़ेगा टोल प्लाजा के ऊपर। तो ये इस तरह का है, तो ये है फास्टैग, तो इसको आप मैंडेटरी होता जा रहा है तो ये लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी है सबके लिए। तो ऐसा रहेगा, इसको निकाल के अभी बारकोड चेक करेंगे, उसके बाद में इसको लगा देंगे तो आपका फास्टैग रेडी है यूज़ करने के लिए। तो ये खोलना पड़ेगा, फॉर्म है, एक ये 3M का है ये स्टिकर, जो फास्टैग स्टिकर है ये इस तरह का है, ये इस तरह का। तो अभी इसमें मैच करेंगे कि इसका ये वाला और दोनों बारकोड मैच करते हैं कि नहीं करते, तो अभी देखता हूँ मैं। और ये जो बारकोड है इसका, हाँ मैंने अंदर बाहर दोनों बारकोड चेक कर लिए हैं
तो स्टिकर के ऊपर और जो बाहर जो है दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो फास्टैग है वो सही आया है, किसी और का नहीं आया है। तो अभी इसको लगाते हैं। तो इस तरह का ये स्टिकर, ये है स्टिकर, तो अभी इसको लगाना है ऐसे। तो ये गाड़ी की विंडशीट है, ये स्टिकर है और गाड़ी की विंडशीट है ये। तो इसके ये सेंटर में आप ये बाहर का ये उतार के इसका स्टिकर का जो गम जो है वो वाला पार्ट निकालेंगे और यहाँ पे यहाँ लगाइए इसको सेंटर में, तो ताकि इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो विजिबिलिटी है, जो आप जब चलाते हो गाड़ी तो विंडस्क्रीन है तो आपको ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए कोई भी, तो उसके लिए जो है इसको सेंटर में लगाइए। ये जो मिरर होता है बैक रियर व्यू मिरर जो होता है उसके नीचे बिल्कुल लगाइए, ताकि आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिले, आपको विजन आपका क्लियर रहे। तो ये रहा दोस्तों फास्टैग। तो ये था आज का वीडियो, यही एंड करते हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट था ये। आप सबको लगाना ही है ये फास्टैग, ऑर्डर करके आप किसी से भी, जैसे मैंने बताया, ऑर्डर कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, जिससे मर्जी कर सकते हो, एयरटेल से कर सकते हो। तो इसको फास्टैग को लगाइए और इन्जॉय कीजिए बिना रुके हुए लंबी राइड्स हाईवेज के ऊपर या जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं दोस्तों, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, मजे करो, एंजॉय करो। बाय 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 बाय।